नमस्कार किसान भाइयों, एक और बेहतरीन वीडियो में आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देश भर के किसानों को दिवाली से पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। वो तोहफा क्या है आगे आपको पता चलेगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें इस वीडियो के बारे में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो एक के बाद एक कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर किसान हितैषी फैसले ले रहे हैं और एक बार फिर से किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है, बड़ा तोहफा दिया है दिवाली से पहले। तो आइए वीडियो पूरा देखिए और समझिए। किसान हितैषी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल की समिति ने रबी की फसल जो छह मुख्य फसल होती है उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की आज घोषणा की है और अब रबी की फसल के जो दाम है न्यूनतम समर्थन मूल्य के गेहूं के जौ चना मसूर सरसों कुसुम उनके प्रति क्विंटल जो नई दरें हैं गेहूं 2025-26 के लिए 2425 रुपया प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा जो कि एमएसपी बढ़कर 1980 रुपए होगी। चना 5650 रुपया क्विंटल, मसूर 6700 रुपया प्रति क्विंटल, रेपसीड और सरसों 5950 रुपया प्रति क्विंटल, कुसुम 5940 रुपया प्रति क्विंटल। पिछले साल से वास्तविक वृद्धि हुई है एमएसपी में, गेहूं की एमएसपी में वृद्धि 150 रुपया प्रति क्विंटल की हुई है, जौ में 130 रुपया प्रति क्विंटल, चना 210 रुपया प्रति क्विंटल, मसूर 275 रुपया प्रति क्विंटल, रेपसीड और सरसों 300 रुपया प्रति क्विंटल और कुसुम 140 रुपया प्रति क्विंटल। ये एमएसपी बढ़ी है और लागत पर जो लाभ दे रहे हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने तय किया था कि वास्तविक लागत पर कम से कम 50% मुनाफा देकर लाभ देकर किसानों की फसल को खरीदेंगे। लागत पर जो लाभ अब है प्रतिशत के हिसाब से गेहूं पे 105%, जौ पर 60%, चने पर 60%, मसूर पर 89%, सरसों पर 98% और कुसुम पर 50%। ये कभी कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। लागत पर कम से कम 50% लाभ लेकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदने का किसान हितैषी फैसला किया है तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने बीजेपी की सरकार ने किया है। और अगर 2014 के हिसाब से आप देखें तब तक कांग्रेस की सरकार थी। मैं 2004 पर नहीं जा रहा हूं, तब तो एमएसपी की दरें और बहुत नीचे थी, लेकिन 14 और 24 में भी अंतर अगर देखें तो गेहूं केवल 1400 रुपया क्विंटल था, जौ केवल 1411 रुपया क्विंटल थी, चना 3100 रुपया क्विंटल था,
मसूर 1950 रुपए प्रति क्विंटल थी, सरसों केवल 3050 रुपए प्रति क्विंटल और कुसुम केवल 3000 रुपए प्रति क्विंटल बिका करता था और वो भी खरीदनी होती थी। मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो गेहूं तो पूरा खरीदती है, लेकिन हमने फैसला किया अरहर मसूर उड़द जितनी आएगी सब खरीदेंगे।